नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। प्रवासी मजदूरों से भरे एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस बड़े हादसे में 24 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। लॉकडाउन के बीच घर वापस लौट रहे कुछ मजदूर शनिवार सुबह औरैया में दुर्घटना के शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के इस घटना के बाद घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, भर्ती किया गया। बता दें कि सभी राजस्थान से आ रहे थे और बिहार झारखंड जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों को लेकर आ रहे एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें घटना शनिवार सुबह 3:30 बजे की है। हादसे के वक्त काफी अंधेरा था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कत भी हुई। प्रशासन के साथ आसपास के लोगों ने भी मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है, और उन्होंने घायलों को फौरन ही उचित अस्पताल में भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में पैदल घर के लिए निकले मजदूरों के साथ कई घटनाएं सामने आई है। 2 दिन पहले ही यूपी के मुजफ्फरनगर और मध्य प्रदेश के गुना में ऐसी ही सड़क हादसे में कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है और कई मजदूर घायल भी हुए हैं। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।